सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो आज की सुबह की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों में चाय के साथ, और ये रही चाय की प्याली। और देख सकते हो आज का गांव का कुछ ऐसा है नज़ारा। सो गाइस, आज चाय बहुत लेट भी जा रही है क्योंकि कल हमारा दूध फट गया था। दूध अभी आया गौशाला से, फिर जाके चाय बनी, फिर जाके पीने को मिल रही है। सो इसके बाद होंगे मैं तैयार, उसके बाद जाऊँगा मार्केट। तो मार्केट में आजकल जाना होता है और आना होता है बस। तो हम मार्केट होके आते हैं, उसके बाद आपको कहीं सुंदर से नज़ारों के पास लेके चलते हैं। तो ये हमारे ताऊजी की बकरियाँ, देखो बच्चे दूध पी रहे हैं। ये हमारा छोटा बूंदू, इसको जितना भी पीटो फिर भी आदमी पे ही चिपकता है। देखो हम हो चुके हैं घर के लिए रवाना, मार्केट आ गए, मार्केट से वापस आ रहे हैं। तो हमें मिल गया गुल्लू भाई साहब। तो गुल्लू आया था आज कॉलेज, और कॉलेज की होगी छुट्टी, कॉलेज कोई आया नहीं। तो गुल्लू भाई साहब हमारे हिंदी बोल रहे हैं। तो अभी हम कुछ इस तरह की कॉफी करते हैं। और ये सुनो भाई, तो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लोकेशन पे, कहीं अच्छी सी जगह पे दिखाते हैं आपको मस्त। जी हम पहुंच चुके हैं घर पे, और अभी जस्ट खाया खाना, और खाना खाने के बाद बर्तन डालेंगे नल के नीचे। तो आज का मौसम दिखाते हैं आपको, बड़ा ही प्यारा और जबरदस्त लग रहा है। आसमान में बादल बहुत ही प्यारे और मस्त से लग रहे हैं। तो गाइस मेरी बोरिंग लाइफ ऐसी है कि अभी मैं जा रहा हूँ सोने, अब उठता हूँ, देखता हूँ कितने बजे उठता हूँ। टाइम हो रहा है कि कितना, 1:58। रात को गोलू सोने नहीं देता, इसलिए मैं भी सो रहा हूँ, थोड़ी नींद पूरी करता हूँ रात के लिए। क्योंकि हर रात रोज गोलू उठ के अपने नखरे दिखाता है। तो फोकी मिलते हैं आपको। तो हाँ जी, 3:36 हो रही, और कर लिया हमने रात के लिए नींद पूरी। अब मुँह हाथ धोते, और आज हमें काम मिला है, पता है क्या, मम्मी और के साथ जाना है, और वहाँ से जो कोदे की डंठल है वो लेके आने। तो चलो चलते हैं, और आप लोगों को भी दिखाते हैं कहाँ से लेके आने, बहुत दूर से लेके आने भी। बोले तो भंगराण से लेके आने। तो चलो चलते हैं। वो भी कितने बाल निकले अभी अभी कंघी करने पे। अभी भी निकलने पे लगे। घोड़ी की चौंकी हो चुकी है। घोड़ी की चौंकी तो पहले ही से थी, बार हो गई। बाल दिखाता हूँ आपको, बाल। एक बार कंघी करने पे इतने बाल। ये कुछ ज्यादा ही नहीं झड़ रहे। तुमने चमड़े का जूता नहीं टांगा सर में, तभी तो। चमड़े का जूता टांगो, उसके बाद नहीं होंगे। पति को टांगना चाहिए, पत्नी पत्नी को टांगना चाहिए, बाल तुम्हारे निकल देगी मेरे। ये देखो गाइस फिर से निकल गए। निकलते हैं मेरे पे बीमारी हो गई। निकलते हैं तो गाइस मेरे पे बीमारी हो गई है, जल्दी से जल्दी इलाज बताएं। इलाज नहीं, शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपनी पूरी इच्छा पूरी करके जाऊं यहाँ से, इस दुनिया से। मेरी आज भी और इच्छा भी बात की है भाई। रोना आ रहा, कैसे रोते, जरा रो के बताना, दोबारा रो के बताओ, दोबारा। यहाँ देखो दुनिया भर का क्या बोलते हैं, इसे केमिकल लगा रहे हैं तो निकल नहीं है। उन्होंने केमिकल नहीं हो कब लगाती हूँ। हाँ तो ये काई गिल रखा है, जब लगाना ही नहीं है तो
जरा बता ना सर का कौन है? सर का कौन है? हाँ। ये है ना। क्या है? ये क्या लगाते हो? ये चुया लग रही है बिल्कुल। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया हुआ। ठीक हो? ठीक हो? ठीक हो? अभी तो ये भी निकलेगा, ये गंजी बनोगे गंजी। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हम खेत में, और ये देखो ये है मंडुए की घास, अभी सुखाने के लिए रखी है, अब इसके बाद इसको घर में ले जाएंगे। तो गाइस हमारे के गांव से इतनी दूर, देखो गांव यहाँ ऊपर है, इस चोटी के ऊपर हल्का सा दिख रहा होगा, ये सबसे नीचे के घर है। और ये देखो ये कितना खतरनाक है, पूरी घास है, गांव वाले काटेंगे अभी जब खुलेगा। और ये रही बाबू बोसा है, घास काटने को लगी है। और आज हमारे साथ दो मेहमान आ रखे हैं, दोनों के दोनों ले आए हम आज, पता नहीं कहाँ है। तो गाइस आज ये दोनों मेहमान आ रखे हैं हमारे साथ खेत में, अब बड़ा तो चला जाएगा, छोटे का नहीं पता कि ये कैसे जाएगा। तो गाइस यहाँ से कुछ इस तरह का नज़ारा दिखता है, सुंदर सा देखो। और ये हमारे गांव का भ्योल घास का, और यहाँ पे आएगी बब्बी घास काटने इस भ्योल पे। सो हम बैठे हैं गौशाला की छत पे, और अभी घास बंध रहा है, तो जब बंधेगा उसके बाद लगाएंगे पीठ पे लाद के और घर लेके जाना है। तो आप लोगों को भी दिखाते हैं, और यहाँ ठंड भी लग रही है, जबकि धूप भी आ रही है पर ठंड भी लग रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। सो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में घास ले जाते हुए। हमें कुछ सुनो पू बन मस्त, तो गाइस ऐसे बने जाते हैं पूली। ये देखो घास कितनी खतरनाक, झंडे से झाड़ती। तो अभी लग रहा है हमारा भरा हरू भरू, एक इधर एक उधर। यो किधर यो उधर हैं? गांधी गांधी जी के तीन बंदर। सो गाइस हमने लाद लिया अपनी पीठ पे घास, देखते कितने बजे तक पहुंचते हैं घर, और टाइम हो रहा है अभी 4:34:38, देखते कितने बजे तक जाते हैं। गाइस एक्साइटमेंट में उन्होंने कुछ ज्यादा ही लगा दिया, उठाते टाइम भी हल्का हो रहा था, जैसे जैसे चढ़ाई बढ़ती रही वैसे वैसे भारी होता रहा। इन दोनों को हल्ला देखो यार, ये कह रहे के माँ बेटे, जैसे जैसे चढ़ाई बढ़ी ना ऐसे ऐसे सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है। वैसे तो मैं काफ़ी आ चुका हूँ, मतलब 50 भी नहीं हुआ, 20% आ चुका हूँ, 30% हो 20% आ चुका हूँ, 80% और जाना है अभी।
अब तो बहुत बुरी हाल हो रही है। चलो अब आपको नेक्स्ट स्टॉप पे रुक के बताते हैं कि कितना भारी हो रहा है। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हम अपने गौशाला में और हालत बहुत ही बुरी हो चुकी है, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिल रही। तो अब लगाना है भाई, ये देखो इतनी सारी घास है यहाँ पे वहाँ पे, और ये लगानी अभी इन पे, मतलब इन पे नहीं लगाने, ये सड़ चुके हैं, नए लेके आने जो परसों काटने गए थे। और ये कुछ है गाँव का नज़ारा, तो ये कुछ है गाँव का नज़ारा। सो गाइस होप करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आएगी तो क्या करना है, लाइक करना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है, और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन की घंटी भी जरूर दबाना, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। सो मिलते हैं आप लोगों को इसी तरह के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना भी और हमारा भी ख्याल रखिए। तो बाय बाय।